ये पहली फिल्म है जो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, और ये फिल्म वेड का मतलब ही पागलपन है, मैडनेस है, पैशन है, ये सारे शब्दों को अगर एक साथ मिला दो तो वेड बन जाता है। और इस फिल्म में ये फिल्म एक्चुअली लव ट्रायंगल नहीं है, ये दो लव स्टोरीज़ हैं, दो अलग अलग टाइम स्पैन, सत्या जो मेन जो कैरेक्टर है उसके लाइफ स्पैन में दो अलग अलग टाइम पर ये दोनों स्टोरीज चलती है। एक है जब कॉलेज टाइम में जब आप एक लड़की से मिलते हैं और बेपनाह मोहब्बत उसे करने लगते हैं, कुछ ऐसा माहौल हो जाता है कि उसके बगैर आप जी नहीं पाते, वो पागलपन, और अचानक कुछ कुछ रीजंस है जिसके वजह से वो लड़की उस लड़के के ज़िंदगी से गायब हो जाती है, और फिर 12 साल बाद वो लड़का, उस लड़की की शादी श्रावणी से होती है। अब ये कहानी शिफ्ट हो जाती है, नाउ वी ट्रैवल टू श्रावणीज पर्सपेक्टिव, जहाँ पर एक ऐसी लड़की जो जानती है कि ये लड़का किसी और लड़की से प्यार करता था, इसने मुझे कभी उस नज़रे से नहीं देखा, लेकिन मैं उसे चाहती हूँ, जिस अंधेरे में वो गया है उस अंधेरे से उसे बाहर खींचने का वो प्रयास करती है, और वो कहती है कि कुछ भी हो जाए मैं इसके साथ हमेशा खड़ी रहूँगी। तो फर्स्ट हाफ में अलग पागलपन है, सेकेंड हाफ में अलग पागलपन है, और मुझे लगता है कि अगर ज़िंदगी में पागलपन ना हो तो जीने का कोई मतलब नहीं है। जी नीले जी, आप इनकी डायरेक्शन से कितना खुश हैं, कुछ शेयर कीजिए। नहीं, एक्चुअली मैं बहुत खुश हूँ, बिकॉज़